खबर बड़वानी से मिल रही है, जहां पुलिस ने अंधे कत्ल का किया खुलासा। आपसी संबंध बनाने को लेकर हुए विवाद में दोस्त ने की दोस्त की हत्या। 27 दिसंबर को मेला ग्राउंड के पास मिले अज्ञात शव मिलने के मामले में पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया था, जिसमें मृतक युवक की पहचान यश सोनी के रूप में हुई थी। जब पुलिस ने इस मामले में बारीकी से जांच की तो युवक के दोस्त दीपक सोलंकी को पुलिस ने हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की तो युवक ने जुर्म कबूलना स्वीकार किया। एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक युवक यश सोनी जो कि गे था, वह दीपक के साथ संबंध बनाने को लेकर उस पर दबाव बना रहा था, लेकिन दीपक संबंध बनाना नहीं चाह रहा था, जिसको लेकर दोनों में विवाद हो गया और विवाद के चलते दीपक ने यश की हत्या कर दी। उसके बाद दीपक ने यश का शव मेला ग्राउंड के पास फेंक दिया। पुलिस ने उक्त मामले का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। खुलासा कर रहे हैं, क्या निकल के आया सर सामने? हमारे थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 27 दिसंबर को एक अज्ञात युवक का शव मिला था हमें, जो मेला ग्राउंड है उसके पास के एक नाले से। प्रथम दृष्टया ही मामला संदेहास्पद था, जिसको देखते हुए हमारी टीम ने इसमें विवेचना शुरू की, जाँच शुरू की। सबसे पहले स्थानीय रहवासियों और आसपास के लोगों की मदद से इनकी पहचान की गई। ये यहाँ राधा कृष्ण कॉलोनी का रहने वाला यश सोनी 23 वर्षीय युवक था। जब इसकी विवेचना पूरी की गई तो इसमें जो इसका एक दोस्त था दीपक सोलंकी, उसने इसे मिलने के लिए बुलाया था और आपसी संबंध बनाने की बात को लेकर उस पर रुष्टता हुई और जिसमें इसने इसकी हत्या की। घटना को छिपाने के इरादे से इसका शव जो है नाले में फेंक दिया गया और इसका मोबाइल भी लेके वहां से वो चला गया था। पूरी टीम ने एक एक करके इसमें तकनीकी साक्ष्य संकलित करते हुए और जो मौके के साक्ष्य थे इकट्ठे किए और मुख्य आरोपी को इसमें गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण की विवेचना इसमें भी आगे जारी है।